तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार ज्ञान तो बहुत दे दिया, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए कि गाड़ी को सेकंड गियर पे कैसे डाला जाए। अब दोस्तों देखिए, फर्स्ट गियर पे तो मीन्स कोई भी चला लेता है, लेकिन सेकंड गियर में लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके चले शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो हमारे पास गाड़ी है ये ग्लैमर i3S है, और ये हमारे फ्रेंड है जिनका ये गाड़ी है, तो चलिए। अभी यहाँ पर एक फर्स्ट गियर में तो ये तो दोस्तों था फर्स्ट गियर में। फर्स्ट गियर में देखिए कितना आराम से क्लच छोड़ रहे हैं और गाड़ी चलने लग रहा है। और थोड़ा सेकंड गियर में डालते हैं, अभी सेकंड गियर मैंने शिफ्ट कर दिया। अब देखिए दोस्तों मैक्सिमम क्लच की तरफ दिखा, लोग के साथ होता क्या है, लोग ऐसे से क्लच छोड़ते हैं, ऐसे क्लच छोड़ते हैं और गाड़ी बंद हो जाती है। एग्जैक्टली यही सभी के साथ होता है। तो देखिए क्या करना है आपको, एक्सीलेटर दीजिए, हाँ एक्सीलेटर इतना पे बनाए रखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सीलेटर, और फिर क्लच की तरफ दिखा, क्लच की तरफ दिखा, क्लच छोड़िए ऐसे, मतलब आपको क्लच होल्ड करके रखना है। जैसे ही गाड़ी स्पीड पकड़ रही है आपकी, मतलब ऐसे चलना चालू हो रही है, थोड़ा सा स्टार्ट आवाज़ करेगी ऐसे, देखिए देखिए देखिए, अब क्लच में छोड़ ही नहीं रहा हूँ एकदम, थोड़ा सा थोड़ा अब एक्सीलेटर दे रहा हूँ, और ऐसे थोड़ा सा झटका मारा इसने, ऐसे बस छोड़िए धीरे धीरे एक्सीलेटर, क्लच पूरा छोड़ दीजिए, ये देखिए एकदम, मतलब सेकंड गियर पे गाड़ी। अब ये देखिए, अब फिर से एक बार मैं आपको दिखला रहा हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पर एक्सीलेटर दिया हूँ और क्लच छोड़ रहा हूँ, देखिए देखिए गाड़ी, अब मैं क्लच नहीं छोड़ा, अब मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, देखा, बस यही था, बहुत सिंपल चीज़ था, बंद करो।